हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है इसमें। इसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया है नेशनल मीडिया में। इसमें बीजेपी प्रवक्ता है, कांग्रेस प्रवक्ता है और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और शिक्षा मंत्री जी से भी बात की गई है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सभी से बात की गई है। सबका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, कब तक अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है लेकिन नेशनल मीडिया पे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया और वेतन का मुद्दा उठाया गया है। तो अतिथि शिक्षक कब तक नियमित होंगे और अतिथि शिक्षकों का जो बकाया मानदेय वो कब तक मिलेगा, शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है और सीएम का क्या कहना और अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष का क्या कहना है, वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलें। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को संभाल रहे हजारों अतिथि शिक्षक सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था कि उनको अव्यवस्था के भंवर से निकाला जाएगा, तनख्वाह दोगुनी होगी, लेकिन घोषणा के बाद दोगुना तो छोड़िए साहब, 4 महीने से रेगुलर वेतन भी नहीं मिल रहा है। जाहिर है कि शिक्षकों के अंदर एक निराशा होगी, नाराज होंगे, उनके भीतर कई सवाल चल रहे होंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मेहमानों से चर्चा करेंगे इस मसले पर। अतिथि शिक्षक वर्ग 1-9000, इसके स्थान पर 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2-7000, उसकी जगह 14,000 और 3-5000 की बजाय 10,000 रुपया। पांच महीने पहले नितेश रघुवंशी खुश थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री का वायदा मिला था, अब बस इंतजार है। भोपाल के पंचशील नगर के सरदार पटेल सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। 7,000 मानदेय था, सोचा था दोगुना मिलेगा। हालात ये हैं कि 7,000 भी 4 महीने से नहीं मिले। पोर्टल पर नजर आता था कि मानदेय के लिए जो हमारे डेज लॉक होते थे, जो हमारी सैलरीज लॉक होती थी, किंतु वर्तमान में तो अभी ये जब से पेमेंट डबल हुई है तब से तो आज तक इन्हें हम जैसे संकुल में पता करते हैं तो वो बताते हैं कि हमने लॉक कर दिया अपने स्तर पे, पर आज तक पोर्टल पे भी वो शो नहीं हो रहा है। जैसे हम परिवार लेके साथ में रहते हैं, अब जब 4-4 और 5-5 महीने से अगर मानदेय ना मिले तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई। मकान एक हम किराए से लेके रह रहे हैं, मकान मालिक 4 महीने वेट नहीं कर सकता। मानदेय अगर मिल जाता तो हमें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोपाल के ही एक सरकारी स्कूल में वर्ग 1 की अतिथि शिक्षिका मयूरी चौरसिया की भी परेशानी एक जैसी है। 13 साल से अतिथि शिक्षक हैं, दोगुनी तो छोड़िए, मूल वेतन के लिए परेशान हो रही हैं। गवर्नमेंट कहती है कि वित्त विभाग ने रोक लगाई है, पर मुझे नहीं लगता रोक लगाई है तो अतिथियों पर ही रोक क्यों लगी है। वेतन पर उन्हीं को क्यों नहीं मिल रहा, उनसे ही काम करवाया जा रहा है, सभी को वेतन मिल रहा है, सिर्फ अतिथियों को नहीं मिल रहा। 5वां महीना लग गया है, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं, हमारा परिवार का गुजर हम कैसे कर रहे हैं। हमारा भी परिवार है, हम भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार हमसे काम बराबर ले रही है, टाइम पे स्कूल बुला रही है, टाइम पे काम करवा रही है, लेकिन वेतन नहीं दे रही है। बोला था वेतन वृद्धि करेंगे, वृद्धि तो ठीक है, वो पुराना वेतन ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। राज्य में 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं, स्कूली शिक्षा का जिम्मा लगभग यही उठाते हैं, आरोप है इनकी दिक्कत कोई नहीं समझता। लगभग 15 से 16 वर्षों तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का वैसे भी हाल बुरा है। बहुत ही कम मानदेय पर वो स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और काम से अलग होते होते भी अपने आप को असुरक्षित मानते आ रहे हैं। बावजूद इसके 15-16 साल तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही, अब तक कोई भी फायदा अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल पाया है। एकजुटता का परिचय देकर सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करे, वरना सरकार आने वाले लोकसभा में इसका खामियाजा भुगतेगी। सरकार कह रही है जल्दी समाधान होगा, वहीं विपक्ष का आरोप है कि ब्रांडिंग से फुर्सत मिले तब सरकार शिक्षकों की सुध लेगी। भाजपा जब से आई है, मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग में लगे शिवराज की तरह, झंडे बैनर पोस्टर में खर्च वहाँ हो रहा है। उनको अगर मानदेय की बात है तो पोस्टर के बजाय उन बहनों का ध्यान रखना चाहिए, उनको मानदेय। किसी भी योजना में कई वर्ग परेशान है, सतत संपर्क में है, तो इनको ब्रांडिंग से फुर्सत तो मिले। मैंने जब अपना टेक ओवर किया स्कूली शिक्षा विभाग को, हम लोगों ने बात की थी, इसमें उनके सैलरी को लेकर वित्त विभाग से कुछ आपत्ति लगी थी, उसके निराकरण में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं ACS फाइनेंस जो है मनीष सिंह जी, उनसे बात की है और बहुत जल्दी हम उनका भुगतान करा। विधानसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर उनके मानदेय को दोगुना करने का वादा किया गया था। 4 महीने बीत चुके हैं, दोगुना तो छोड़िए, पुराना वाला रेगुलर मानदेय भी नहीं मिल रहा।
अतिथि शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा मंत्री के दर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। तो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की यह संघर्ष की लड़ाई कोई आजकल की नहीं है, ये लंबे वक्त से बीते कई वर्षों से ये सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से बार बार मांग करते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके बयान के बाद उम्मीद जागी थी, लेकिन एक बार फिर ठंडे बस्ते में मसला पड़ गया। चार महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए अतिथि शिक्षक एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस मसले पर आज डिबेट में चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता है, नेता है पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता कांग्रेस नेता अभिनव बारोलिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अभिनव जी। और हम जल्द ही एक अतिथि शिक्षक संघ की आवाज बुलंद करने वाले मेहमान से भी जुड़ेंगे अगर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो। सबसे पहले पंकज जी, चूंकि सत्ता में आपकी पार्टी है, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है, इसके पहले भी थी, वो बात अलग है कि 2018 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार आई, ये आजकल की लड़ाई नहीं है। अतिथि शिक्षकों का मसला आपको भी पता होगा, मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से अतिथि शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। पहले उन्हें परमानेंट करने की मांग आवाज बुलंद की गई, लेकिन परमानेंट का रास्ता निकालकर शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन सीएम थे उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए थे, लेकिन अब खबरें हैं कि चार महीने से वेतन तक नहीं मिला है, अतिथि शिक्षक एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। आप ही की पार्टी है सत्ता में, कब तक इनकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? देखिए दीपक, जब आपके चैनल ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी से बात की और मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर आपके संवाददाता से कहा, विधानसभा परिसर में उनकी बातचीत हो रही है, जहाँ उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की कुछ तकनीकी विषय के चलते मध्य प्रदेश के हमारे अतिथि शिक्षक जो भाई बहन है इनके वेतन के कुछ प्रकरण लंबित हैं, और मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी से और जो विभाग के ACS उनसे बातचीत करी है और शीघ्र ही मध्य प्रदेश के लगभग 17,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों में से जिनके भी वेतन लंबित, सबके लंबित नहीं दीपक, पूरे मध्य प्रदेश में 17,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं, सबके लंबित नहीं है, 4.25 लाख के आसपास नियमित शिक्षक हैं उनके लंबित नहीं, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो प्रॉमिस किया था प्रॉमिस 100% फुलफिल होगा। वर्ग एक के शिक्षक यानी जिनकी पात्रता UG और BEd है, जिनका वेतनमान पहले 9,000 था बढ़कर 18,000 होगा। वर्ग दो के शिक्षक जिनकी योग्यता UG और BEd है, जिनका वेतनमान पहले 7,000 था बढ़कर 14,000 वेतनमान है। और वर्ग तीन जिसमें 12th पास और हाई स्कोरिंग जो नंबर का लेकर आता है, जिनका पुराना वेतन जो था 5,000 था मानते हो बढ़कर 10,000। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी का वचन था, वही भारतीय जनता पार्टी का वचन है। तो जो तकनीकी विषय वित्त विभाग का है, जैसा माननीय विभागीय मंत्री जी ने कहा उसको हल कर लिया जाएगा, और मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भाई बहन किसी भी व्यवस्था के अंग को यदि कोई क्षणिक या कुछ एक दो माह के लिए परेशानी है, विसंगति है, तो उसका निराकरण करेंगे। एक दो महीने चुनाव आचार संहिता में सब जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वहां लगे थे, उससे मुक्त है। प्राथमिकता पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का श्रम, उनका मान, उनका सम्मान और उनकी व्यवस्थाएं हैं। तत्काल जो भी उनका भुगतान है पूरा का पूरा भुगतान उनको शीघ्र किया जाएगा, ये मंत्री जी ने भी कहा और मैं भी भाजपा कार्यकर्ता नाते आपको आश्वस्त करता हूं। मैं लौटूंगा आपके पास पंकज जी, अभिनव जी से मैं रिएक्शन लूंगा। अभिनव जी, आप इस वक्त विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, लेकिन मुझे याद है अच्छे से क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव जब मैंने कवर किया था और रणनीतिकार कुछ सियासी जो पकड़ रखते हैं गलियारों में, यह भी खबरें हैं कि 2018 में जो बंपर वोटिंग आपकी पार्टी को किसानों ने दी थी, किसान कर्ज माफी का एक मसला था, कुछ हद तक अतिथि शिक्षक काफी नाराज थे बीजेपी से कि इतने लंबे वक्त से सत्ता में है क्यों आवाज बुलंद क्यों नहीं हो रही है। कमलनाथ से काफी उम्मीदें थी 2018 में कि कमलनाथ सत्ता में आएंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो शायद अतिथि शिक्षकों का भला होगा। भले आपकी सरकार को टेन्योर कम मिला, वक्त कम मिला 15 महीने का, लेकिन अतिथि शिक्षकों के मसले पर उस 15 महीने में कोई खास फैसला हुआ नहीं, और अब विपक्ष में आपकी पार्टी है तो आवाज किस तरह से बुलंद कर रही है अतिथि शिक्षकों के मसले पर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए वो 15 महीने की बात तो सभी जानते हैं किस तरीके से छल कपट के द्वारा हमारी सरकार चली गई, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है हम उस पर बात करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस प्रदेश में 70,000 से 80,000 लगभग 1,00,000 के आसपास अतिथि शिक्षक है जो परेशान है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है। उमंग सिंघार जी का आपने बयान भी सुना होगा अभी और हम लगातार उस मुद्दे को उठा भी रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सरकार मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इवेंट करना और इवेंट करके घोषणाएं करना और घोषणा के बाद भूल जाना लगातार। ये जो हमारे जो शिक्षक हैं ये सरस्वती जिस तरीके से
जनता के बीच में और बच्चों के बीच में सरस्वती माता की पूजा करते हैं और बताते हैं कि हमें ज्ञान की जो बात बताते हैं, आज उनके साथ ये छल कर रही है सरकार, तो ये तो सब देख रही है जनता, लेकिन 4 महीने से उनको तनख्वाह भी नहीं मिली है। ये अभी सुना मैंने, दो दो लोगों की बाइट सुनी मैंने, तो उसमें आप सोचिए उनका घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा। 4 महीने से आपको अगर तनख्वाह नहीं मिले, या पंकज जी कोई काम करते हैं अगर उसमें उनको पैसा नहीं मिले 4 महीने से, तो उनके घर की माली हालत क्या हो जाएगी, एक मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास परिवार की स्थिति क्या होगी, ये आप हम और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। यही अन्याय की बात हम लगातार उठा रहे हैं कि ये अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस अन्याय के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारा नेता राहुल गांधी जी लगातार पैदल चल रहे हैं कि ये सरकारें जो है भाजपा की, ये लगातार अन्याय कर रही है। तो हम आपके माध्यम से, आप एक माध्यम है हमारा, कि ये सरकार जागे, सोचे कि जो 1 लाख परिवार है अतिथि शिक्षकों के, उनकी कम से कम तनख्वाहें तो दे, 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, वो सोचे। फिर आप परमानेंट करने की जो वादे आपने झूठे किए हैं वो आप कैसे करेंगे, कम से कम आप उस पर भी विचार विमर्श करें। तो हम बड़ी विनम्रता से, पंकज जी यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई हैं, कि बातों को गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि हम त्वरित कार्रवाई की मांग करें कि कम से कम उनको पैसा तो पहुंचे जेब में, उनके जो 4 महीने 28,000 का जो पैसा है, जो तनख्वाह है उनकी, वो लीगल पैसा उनके पास पहुंचे तो वो थोड़ा सा अपने आप मैं संभाले। मैं अभिनव जी जितना मोटे मोटे तौर पे अभी अभी समझ पा रहा हूँ, पंकज जी ने भी उसका जिक्र किया और हमने चूंकि मंत्री जी से भी इस पर रिएक्शन लिया, वित्तीय मसला एक सरकार के सामने शायद खड़ा है। मोहन सरकार ने भी हाल ही में कुछ वक्त पहले 2000 करोड़ का कर्ज लिया, ये वित्तीय मैनेजमेंट कर्ज जो है, ये जो वित्तीय प्रबंधन है, क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सरकार के सामने, सत्ता में बैठी बीजेपी के सामने वित्तीय प्रबंधन एक बड़ा मसला है? देखिए वो लोग तो मानते नहीं है, हमेशा कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो बहुत पैसा है और हम तो सब कर देंगे। तो ऐसी झूठी घोषणाएं करनी नहीं चाहिए। एक तो आप लगातार बोलते जाते हो कि हम ऐसा कर देंगे, हम इतना पैसा दे देंगे किसानों को, हम 3100 दे देंगे, नौकरियां लगा देंगे, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। अरे सरकारी नौकरी लगाना छोड़ो, अभी अतिथि शिक्षक यहाँ पे परेशान है, 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, वो तनख्वाह बांटने के तो वादे हैं आपके, और आप नई नई बातें करते हैं कि हम ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना, जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करना, कर्जा लेते जा रहे लगातार और कर्जा लेके करना। अरे आप कर्जा जा कहाँ रहा है आपका, आप कम से कम जो सेवा दे रहे हैं आपकी अतिथि शिक्षक, उनको तो पैसा दीजिए। परमानेंट की तो बात बहुत दूर लग रही है कि आप अतिथि शिक्षक को परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नीति भी इनकी क्लियर नहीं है। चलिए मैं चाहूंगा मैं लौटूंगा आपके पास अभिनव जी, मैं चाहूंगा पंकज जी जरा इस पर जवाब दे दें और वित्तीय मसला क्या है ये भी जरा क्लियर कर दें। देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी असत्य बोलने के लिए कुख्यात है देश भर में पिछले 10 साल, इसलिए लगातार राजनीतिक रूप से रसातल की ओर है। मध्य प्रदेश में मैं आपको फिगर के साथ बताऊंगा, 2003 में जब बंटाधर सरकार गई तो 33,000 करोड़ का बजट था मध्य प्रदेश का, मात्र 33,000 करोड़ का बजट था और उसका 31% कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर। फिगर ध्यान से सुनिएगा, 33,000 करोड़ का बजट बंटाधर सरकार का, कांग्रेस की सरकार का, 31% बजट का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर। आज की तारीख में मध्यप्रदेश का बजट 3,50,000 करोड़ का और कर्जा 26% यानी 5% कर्जा कम हुआ है। नंबर वन, मध्य प्रदेश कर्ज की सीमा के पात्रता के भीतर कर्जा लेने वाला राज्य, सारे राज्य कर्ज लेते हैं। हम कांग्रेस के कर्नाटक के जैसे नहीं है कि जहां मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी कहे कि हम विकास नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। हम कांग्रेस की हिमाचल की सरकार के जैसे नहीं कि जहां तनख्वाह बांटने के पैसे ना मिले, या योजनाओं की पूर्ति के पैसे ना मिले। नंबर दो, नंबर तीन, मध्य प्रदेश का जो जीएसटी है, मेरा उत्तर तो सुनिए, मध्य प्रदेश उत्तर आ जाता पूरा, दीपक जी उत्तर पूरा आ जाता फिर दे दो जी। मैं निवेदन करूं कि मध्य प्रदेश का जीएसडीपी है 15,00,000 करोड़, मैंने पहले बजट कहा था, जीएसडीपी की बात कर रहा हूं, इसका 3.5% यानी 50,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार इस वित्तीय वर्ष में ले सकती है 31 मार्च 2024 के पहले। अभी हमने 38,000 रुपए का कर्जा लिया रिसेंट, 2,000 करोड़ के कर्जे को जोड़ ले तो टाइम पर ब्याज की अदायगी, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, सबके वेतन भुगतान, सारी योजनाएं, सबकी पूर्ति, ये कोई अन्य तकनीकी विषय है जिसके चलते इनकी, हमारे इन भाई बहनों की सैलरी, जैसा विभागीय मंत्री जी ने कहा, वो हर हाल में शीघ्र सब अतिथि शिक्षकों का वेतन जो 2-3 महीने का रुका हुआ है उसका भुगतान तय है, सुनिश्चित होगा, किसी भी मूल्य पर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं, पंकज जी की बातें सुनकर थोड़ी उम्मीद जागती है कि जल्द ही पैसा मिल जाएगा अतिथि शिक्षकों का रुका हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं, राजनीति भी इस मसले पर कई हुई है, लेकिन अब चलिए दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथी भोपाल से संवाददाता इजहार भी जुड़ गए और दूसरी तरफ
अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे वक्त से उन तमाम लाखों अतिथि शिक्षकों की आवाज उठा रहे हैं और ये आजकल का मसला नहीं है, बीते कई सालों से आप आवाज उठा रहे हैं। आपकी पीड़ा, आपके दर्द को मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं, क्योंकि कई वक्त से वेतन भी नहीं मिला है, आश्वासन मिला है, कांग्रेस कहती है हम आपके साथ है, बीजेपी कहती है हम आपके साथ है, लेकिन आज की तारीख तक चूंकि अमली जामा पहना नहीं है, ये वादा जो है शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन सीएम ने उस वक्त किया था, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, बीजेपी सत्ता में है, आपकी लड़ाई कहां तक रंग लाई? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी चैनल परिवार को धन्यवाद देता हूं, आपने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला है, धोखा मिला है, वादा खिलाफी मिली है। हम कांग्रेस की सरकार में भी लगातार प्रयास करते रहे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने उस समय अतिथि शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार भी अतिथि शिक्षकों के हित में, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच पर 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके अनेकों सौगातें दी थी, सिर्फ दोगुने मानदेय का आदेश आज तक जारी हुआ है। उसके अलावा वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण, बोनस अंक जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज म्यूट हो गई सुनील जी। चलिए सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर सुन पा रहे हो तो आप अनम्यूट कर दीजिए। इजहार, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जितनी बातों को सुनील जी की हम समझ पाए हैं, मैं अतिथि शिक्षकों का नाराजगी, उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, सरकार से तो है ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है और ये लड़ाई लंबे वक्त से, बीते कई सालों से अतिथि शिक्षक लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई है। इजहार, बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे 15 महीने की कमलनाथ सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक दोनों ही सरकारों से नाराज हैं। दोनों ही सरकारों ने उनके लिए वादे किए थे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। 2018 में भी अतिथि शिक्षकों को लेकर ही कहीं ना कहीं जो सरकार है वो वजूद में आई थी, उसमें किसान और अतिथि शिक्षकों ने कई अहम भूमिका, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2020 में जो सिंधिया और कमलनाथ का एपिसोड हुआ, कहीं ना कहीं वो अतिथि शिक्षकों को लेकर ही हुआ और फिर दोबारा एक बार फिर बीजेपी सरकार आ गई। लेकिन अगर हम बात करें अभी हाल ही की, तो सितंबर में जिस तरह से महापंचायत आयोजित कर उनसे वादा किया गया था, उनके मानदेय को दुगना करने की बात कही गई थी, उस दौरान भी हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे और हमने अतिथि शिक्षकों से इस घोषणा के बाद, इस महापंचायत के बाद बात की थी, तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि 5,000, 7,000 और 9,000 है, इससे बढ़कर उन्हें अब 10,000, 15,000 और 18,000 मिलेगा, तो काफी खुशी उन्हें दिखाई दे रही थी, घर चलाना आसान हो रहा था। लोगों ने अपने कई तरह की प्लानिंग बताई थी कि अब मैं जो छोटे कमरे में रहता था बड़ा कमरा किराए पे ले लूंगा, दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन उस सितंबर के बाद उन्हें क्या मालूम था कि उस सितंबर के बाद से उनको जो रेगुलर मानदेय मिल रहा है वो मानदेय भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अब आ गया फरवरी, 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं खुद कई अतिथि शिक्षकों से मिला, हम कई स्कूल गए, हमने जाके उनसे जाना हाल, तो कहीं ना कहीं वो वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, मांगे मान रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जो पढ़ाने का उनका काम है वो उनका एक तरीके से धर्म है और वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी आपबीती बताई किस तरह से कोई किराए के मकान में रह रहा है तो उसको किराएदार परेशान, उसका जो मकान मालिक है परेशान कर रहा है, किराए का तकादा कर रहा है, किसी तरह से वो उधार लेकर या फिर उसको समझा करके जल्दी मेरा जब पेमेंट आएगा तो मैं आपका भुगतान करूंगा, वो गुजर बसर कर रहा है। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके जो स्कूल हैं वो उनके घर से काफी दूर हैं, तो वो जो पेट्रोल खर्च कर रहे हैं वो भी वो भी उधार लेकर कर रहे हैं। जो महिला अतिथि शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि हम किस तरह से अपना पूरा त्याग समर्पण कर रहे हैं, हम मध्यप्रदेश के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, 15-16 साल से पढ़ा रहा है, कोई 13 साल से पढ़ा रहा है लेकिन पिछले 4 महीने से उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। बजट की पर बातें चल रही हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं बजट बिगड़ गया है। बात की गई थी, दावा किया गया था कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें इस भंवर से निकाला जाएगा, जिस तरह से उन्हें पीरियड्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं उससे निकालकर एक मुश्त पैसा दिया जाएगा, वादा किया गया था कि उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनका इकट्ठा एक मुश्त एग्रीमेंट किया जाएगा, कई तरह के वादे किए गए थे लेकिन उन वादों की बात करें तो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है उनके मानदेय का, जो उन्हें पिछले 4 महीने से नहीं मिला है और उसकी उन्हें दरकार है। जी चलिए सुनील जी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए संक्षिप्त में। सुनील जी, समय की कमी है मेरे पास, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी करें। और दूसरा,
आगे का अब आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि सत्ता में जरूर बीजेपी है लेकिन शिवराज सिंह चौहान से भी कई दफा आपके प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। अब तो शिवराज सिंह चौहान अब व्यस्त नहीं रहते, अब तो उन्होंने घर के बाहर बोर्ड भी टांग लिया है, मामा का घर, वो वीकेंड पे मुलाकात भी करते हैं, लोगों की समस्याओं का भी हल करते हैं। आगे चलकर अब आपकी क्या रणनीति रहेगी मंडल की? आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अतिथि शिक्षकों के हित में शीघ्र नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। अतिथि शिक्षक यदि लोकसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार निर्णय नहीं करती तो निश्चित रूप से अभी 11 तारीख को पूरे प्रदेश में महारैली के माध्यम से हमने वचन निभाओ महारैली का आयोजन किया है। इसके बाद एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में करेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का, पंकज जी बहुत शुक्रिया, अभिनव जी आपका भी शुक्रिया, सुनील जी शुक्रिया। तो हमने अतिथि शिक्षकों के इस मसले पर आज चर्चा करने की कोशिश की राजनीतिक मेहमानों से, और जो खुद प्रतिनिधि मंडल आवाज उठा रहे हैं अतिथि शिक्षकों का, उनसे राय जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रुका हुआ पैसा अतिथि शिक्षकों का सरकार जारी करेगी और अतिथि शिक्षक जल्द खुश होंगे। फिलहाल इस खास